ओम नमः शिवाय साथियों, हर हर महादेव, हर घर महादेव, नर्मदे हर। साथियों, मैं तुम्हारा अपना दोस्त गिरधारी वर्मा, स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। साथियों, ये मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन आपसे विनती है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे साथ अंत तक बने रहे। और साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना इतना अमूल्य समय देकर मेरे इस प्रकार के वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूँ उनको आप अपना अमूल्य समय निकाल कर देखते हो। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज आप लोगों को जो विशेष आज का जो वीडियो है उनके बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करता हूँ। साथियों, जैसे कि हिमाद्री, जी हाँ, हिमाद्री ने नर्मदेश्वर शिवलिंग में 9 प्रकार के शिवलिंगों की व्याख्या की है। जी हाँ साथियों, हिमाद्री ने नर्मदेश्वर शिवलिंग में 9 आकृति वाले शिवलिंगों की व्याख्या की है। तो आज मैं आप लोगों को उनके दर्शन करवा देता हूँ। मित्रों, ये बहुत ही मुश्किल काम था कि 9 प्रकार के शिवलिंगों को इकट्ठा करना, लेकिन माँ नर्मदा और भगवान शंकर की कृपा से यह कार्य संभव हो सका है। जी हाँ, चलिए मैं आप लोगों को 9 शिवलिंगों के कौन कौन से नाम हैं, उनमें क्या क्या आकृतियाँ होती हैं, उनकी आज चर्चा करते हैं। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दर्शन करवा देता हूँ नीलकंठेश्वर महादेव की। जी हाँ साथियों, ये नीलकंठेश्वर महादेव है, ये थोड़े लंबे होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं और इन पर काले इस प्रकार के धब्बे होते हैं, इनको बोलते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। जी हाँ साथियों, देख लीजिए, हिमाद्री के बताए हुए कलर और आकृति के हिसाब से इनको बोलते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। और आगे चलेंगे तो आप लोगों को मैं दर्शन करवा देता हूँ त्रिलोचन नर्मदेश्वर शिवलिंग के। जी हाँ मित्रों, यह त्रिलोचन नर्मदेश्वर कहलाते हैं, देख लीजिए, ये भी सफ़ेद कलर के होते हैं, देख लीजिए, सफ़ेद कलर के होते हैं और इन पर आग का निशान होता है, जिनको बोलते हैं त्रिलोचन नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, और तीसरे नंबर पर देख लीजिए कि किस प्रकार से मृत्युंजय नर्मदेश्वर। जी हाँ मित्रों, तीसरे नंबर पर आप जो दर्शन कर रहे हो उनको बोलते हैं मृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह कई रंगों के होते हैं और इन पर बर्छा या त्रिशूल का निशान होने की वजह से इनको मृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। तो देख लीजिए इन पर किस प्रकार से एक त्रिशूल का निशान बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, देख लीजिए, महामृत्युंजय नर्मदेश्वर के दर्शन करवा रहा हूँ। और आगे चलेंगे तो चौथे नंबर पर है स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, ये स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग ये शहद कलर के होते हैं, देख लीजिए, शहद कलर के होते हैं और इन पर 2 गहरे रंग की धारियाँ बनी हुई होती है, देख लीजिए, ये 2 प्रकार की धारियाँ बनी हुई है और पूरा शहद कलर का शिवलिंग है, देख लीजिए, इनको कहते हैं स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, और आगे चलेंगे 5वें नंबर पे तो इनको मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ, इनको बोलते हैं कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग ये चमकदार होते हैं और जिन पर उलझे हुए बालों का निशान होता है, देख लीजिए, उलझे हुए बालों की आकृति होने की वजह से इनको कालचक्र कालाग्नि नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, और आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को दर्शन करवा देता हूँ, देख लीजिए, आगे इन 6 नंबर के शिवलिंग को बोलते हैं त्रिपुरारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, हिमाद्री के बताए हुए 6 नंबर के शिवलिंग का नाम है त्रिपुरारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। ये शहद कलर के होते हैं और इन पर सफ़ेद कलर का टीका लगा हुआ होता है, देख लीजिए, ये पूरा शहद कलर का शिवलिंग है। जी हाँ मित्रों, शहद कलर के शिवलिंग के साथ साथ इनके मस्तक से पर देख लीजिए सफ़ेद कलर का टीका लगा हुआ है, इनको बोलते हैं त्रिपुरारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। और अब बात करते हैं 7वें नंबर की। जी हाँ, 7वें नंबर के शिवलिंग को बोलते हैं ईशान नर्मदेश्वर शिवलिंग। ईशान नर्मदेश्वर शिवलिंग यह क्रिस्टल की तरह होते हैं, देख लीजिए, क्रिस्टल की तरह होते हैं और इन पर इस प्रकार की जो आकृतियाँ होती है
उस वजह से इनको बोलते हैं ईशान नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, और आठवें नंबर पर देख लीजिए जिनको बोलते हैं अर्धनारेश्वर। जी हाँ साथियों, देख लीजिए अर्धनारेश्वर शिवलिंग, जो कि आधा लाल होता है और आधा सफ़ेद होता है, इनको बोलते हैं अर्धनारेश्वर शिवलिंग। जी हाँ, और नवे नंबर पर जो है वो है महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ मित्रों, जो कि हल्के लाल रंग का होता है और उन पर धारियाँ बनी हुई होती हैं, इनको बोलते हैं महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छे अच्छे शिवलिंग और बहुत ही अच्छी आज जानकारी हमें भी प्राप्त हुई और वही जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो साथियों, मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय देकर मुझे ये मेरे वीडियो को देखा और अंत तक देखा। मैं आपका आभारी हूँ। हर हर महादेव, हर घर महादेव। महादेव आप सभी का कल्याण करे, माँ नर्मदा आप सभी पर कृपा बरसाए। नर्मदे हर 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 महादेव। मैं शिवाय साथियों, हर हर महादेव, हर घर महादेव। नर्मदे हर मित्रों। साथियों, मैं तुम्हारा अपना दोस्त गिरधारी वर्मा, स्नेहा नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करता हूँ। साथियों, देख लीजिए कि आज मैं आप लोगों को किस प्रकार से नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करवा रहा हूँ। जी हाँ मित्रों, हिमाद्री ने जिन 9 आकृति वाले नर्मदेश्वर शिवलिंगों की व्याख्या की है, आज उन्हीं के मैं आप लोगों को दर्शन करवा रहा हूँ। बहुत ही मुश्किल से ये संकला हमने इकट्ठी की हुई है, जिनके मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। जी हाँ मित्रों, हिमाद्री ने 9 प्रकार के शिवलिंगों की व्याख्या की है जो नर्मदेश्वर शिवलिंग में आते हैं। देख लीजिए किस प्रकार से मैं आपको एक एक करके उनके नाम और उनकी आकृति बताना चाहता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले मैं बात करूँगा नीलकंठेश्वर महादेव की। जी हाँ साथियों, ये जो आप लिंग देख रहे हो ये नीलकंठेश्वर महादेव है। देख लीजिए, जो सफ़ेद रंग के होते हैं और उन पर काले धब्बे होते हैं, उनको बोलते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। जी हाँ साथियों, ये नीलकंठेश्वर नाम से जाने जाते हैं नर्मदेश्वर। और दूसरा देख लीजिए, जिनको बोलते हैं त्रिलोचन नर्मदेश्वर शिवलिंग। जी हाँ साथियों, ये जो देख रहे हो ये त्रिलोचन नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जाने जाते हैं। देख लीजिए, जो सफ़ेद कलर का होता है और जिन पर आग का निशान बना हुआ होता है। देख लीजिए किस प्रकार से एक आग का निशान बना हुआ है। आग का निशान बना हुआ होने की वजह से इनको त्रिलोचन नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। और आगे चलेंगे तो देख लीजिए कि किस प्रकार से मृत्युंजय। जी हाँ मित्रों, मृत्युंजय नर्मदेश्वर शिवलिंग की